पुलिस भर्ती बोर्ड के सामने अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में चुनाव खत्म होते ही अभ्यर्थियों का शुरू हुआ प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर प्रदर्शन। रेडियो सवर्ग भर्ती के मामले को लेकर प्रदर्शन। बीटेक पास अभ्यर्थियों को यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में शामिल करने की मांग। सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। फार्म भरा, पेपर दिया, रिजल्ट आया, नियुक्ति के समय हमें क्यों निकालने की बात की जा रही है, इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि जैसा भर्ती बोर्ड का स्टैंड था 2021 में, जो भर्ती बोर्ड का स्टैंड था, 2022 में वैकेंसी आई, भर्ती बोर्ड ने 2021 में स्टैंड लिया था कि बीटेक अहर होगा, और ये नियमावली विज्ञापन बनाना भर्ती बोर्ड का काम है, ये सरकार का शासन का काम है। अगर हमने आपने हमको एलिजिबल किया था 2021 में, तो आज आप 2024 में एक मीटिंग के जरिए हमको बाहर आप कैसे कर सकते हैं? आप आरटीआई में आपने बोला, आपने आईजीआरएस में बोला, आपने ऑफिस में लाके बोला, वर्तमान डीजी ने बोला, सब कुछ अगर हुआ है हमारे पक्ष में, तो आज कैसे भर्ती बोर्ड के एक मीटिंग के सामने आप कैसे हमको बाहर कर दी? मुख्यमंत्री जी भी उस मीटिंग में थे जिस मीटिंग में ये बात बोली गई थी कि बीटेक इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। इस पूरे हायरार्की में बीटेक कहीं नहीं है। क्या यूच योग्यता धारण करना, क्या बीटेक धारण करना, क्या पीएचडी करना, क्या बीटेक करना, क्या हायर डिग्री लेना अभिशाप है? अगर है तो अपनी डिग्री यहाँ दान दे के जाएंगे आज भर्ती बोर्ड को। भर्ती बोर्ड क्यों आए हैं? हम भर्ती बोर्ड अपने अधिकार की मांग करने आए हैं। भर्ती बोर्ड ने जो 2021 में स्टैंड लिया था विज्ञापन निकालने से पहले, उसने बोला था कि बीटेक एलिजिबल है, हमसे पेपर कराया गया, हमारी आंसर की आई, हम 1.5 महीने से रनिंग कर रहे हैं, और आज आप एक नोटिस निकाल के हम बीटेक को बाहर कर रहे हैं, उसमें हमसे गलती हो गई थी। ये संस्था है जो पूरे प्रदेश को लीड कर रही है, कह रही हमसे गलती हो गई थी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि चाहे वो डिप्लोमा स्टूडेंट है, चाहे वो बीटेक स्टूडेंट हो, जिसका नंबर अच्छा है, जो इस भर्ती के एलिजिबल है, जो योग्य है, उनको लिया जाए। योग्यता को जी बिल्कुल उच्च अहर्ता उच्च डिग्री सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है कि अभिशाप नहीं है। जो अच्छे हैं, जिनके नंबर अच्छे हैं, जो मेरिट में बन रहे हैं, वो चाहे बीटेक हो चाहे डिप्लोमा हो, उनका सिलेक्शन किया जाए, उनको लिया जाए। बस हमारा भर्ती बोर्ड से यही निवेदन है। हम यहाँ अपनी बातों को बहुत शांतिपूर्वक रखने आए हुए हैं, हम कोई धरना देने नहीं आए, हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांग डीजी सर से है, डीजी सर आके हमको आश्वस्त कर दें इस बात के लिए कि नहीं बीटेक एलिजिबल रहेगा। हम बता रहे हैं, हम 2 मिनट के अंदर पूरा लखनऊ खाली कर देंगे, सब अपने घर को चले जाएंगे। लोग आ जाए हुए यहाँ पर, यहाँ कम से कम 250 से ज्यादा बच्चे हैं। हम एक बार भर्ती बोर्ड गए हुए थे, हमारे कुछ बच्चे ये काम हम पहले कर चुके हैं कि 2-4 बच्चे भर्ती बोर्ड गए हुए थे। उस समय भर्ती बोर्ड के मैं अधिकारियों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन अधिकारियों ने ये कहा है हमारे बच्चों से कि आप कितने लोग हो, आप कब तक लड़ोगे, आप जब तक लड़ोगे सरकार तब तक अगर आज मुलाकात नहीं होती तो आप लोग क्या करोगे? अगर आज मुलाकात नहीं होती डीजी साहब से, हम यहीं बैठे रहेंगे, हम बिना खाए पिए यहीं बैठे रहेंगे, लेकिन आज हम डीजी सर से मिल के जाएंगे। हम अपने अधिकारों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हमने इतने मेहनत से पढ़ाई लिखाई की है और अपने अधिकार मांगने आए, इतनी दूर दूर से बच्चे आए हैं, तो हम बिना अपना अधिकार लिए, बिना डीजी सर का आश्वासन लिए, हम वापस नहीं जाएंगे।